गाइस वेलकम टू इंस्टॉलेशन ऑफ वर्डप्रेस ट्यूटोरियल। सो आज की इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि वर्डप्रेस को इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, वर्डप्रेस को कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो जो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन की प्रोसेस है, मैंने उसको 5 स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है, जो कि 5 स्टेप्स है। मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप्स करा रहा हूँ। जो स्टेप नंबर 1 है, ओपन सी पैनल। आपको अपना सी पैनल ओपन करना है। सी पैनल ओपन करने के लिए जो लॉगिन डिटेल्स चाहिए होंगे, जो यूजर नेम और पासवर्ड हमें चाहिएगा, वो हमें वेब होस्टिंग कंपनी ने ऑलरेडी ईमेल किया हुआ है। तो हमें जो वेब होस्टिंग कंपनी की साइट से जब हमने पेमेंट की थी, चाहे हम जब हमने अपनी डोमेन नेम और वेब होस्टिंग होस्टगेटर से बाय की थी, तो होस्टगेटर ने हमें ईमेल की होगी, या फिर हमने होस्टिंग किसी और कंपनी से बाय की है तो उस कंपनी ने हमें डिटेल्स मेल की हुई होगी। तो वो हमें ईमेल ओपन करनी है। उस ईमेल में हमारी सी पैनल की डिटेल्स हमें मिलेंगी और उस सी पैनल की डिटेल्स के थ्रू हमें अपनी वेबसाइट को का सी पैनल ओपन करना है। उस सी पैनल के थ्रू हम उसमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो लेट स्टार्ट, स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप करूँगा अपनी डोमेन नेम। बट याद रहे कि आपको अगर आपने DNS के थ्रू कनेक्ट किया था, जो कि मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था, तो अप्रोक्स 8 से 24 आवर्स कनेक्ट होने में लगाएगा। उसके कनेक्ट होने के बाद ही आपका सी पैनल ओपन हो सकता है। बट अगर आपने डोमेन नेम और वेब होस्टिंग सेम सर्विस प्रोवाइडर से बाय की थी, मेरी आपने लास्ट वीडियो देखी होगी, तो आपने उसके थ्रू आपकी इंस्टेंट कनेक्ट हो जाता है। चल रहा हूँ कि आपकी जो डोमेन नेम है और जो वेब होस्टिंग है वो कनेक्ट हो चुकी है। आपकी डोमेन नेम और वेब होस्टिंग कनेक्ट हो चुकी है, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। अगर आपकी डोमेन नेम और वेब होस्टिंग कनेक्ट नहीं हुई है, तो सबसे पहले आप उनको कनेक्ट करो। अगर आपको वीडियो से समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें मेल पे आप अपनी टास्क पूछ सकते हो, या आप फेसबुक के ग्रुप के थ्रू हमें अपनी क्वेरीज रिजोल्व कर सकते हो। अगर उससे भी आपकी क्वेरी रिजोल्व नहीं हो रही है, तो आप कंपनी में बात कर सकते हो जहाँ से आपने वेब होस्टिंग को और डोमेन नेम को बाय किया था। बट एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपकी डोमेन नेम और होस्टिंग कनेक्ट हो चुकी है। आपको पता कैसे लगेगा कि आपकी डोमेन नेम और होस्टिंग कनेक्ट हो चुकी है? जब भी आप अपने ब्राउजर में www करके अपनी डोमेन नेम आप इंसर्ट करोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, /cpanel आपको टाइप करना है। जैसे मैं /cpanel टाइप करता हूँ, तो मेरे सामने सी पैनल का डैशबोर्ड खुलता है। जो कि इस टाइप से आपके सामने सी पैनल का डैशबोर्ड आएगा। अगर आपके पास ऐसा डैशबोर्ड नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी डोमेन और होस्टिंग कनेक्ट नहीं है। प्लीज अपने डोमेन सर्विस प्रोवाइडर से, होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर से उनको कनेक्ट करा लो। अगर आपने कनेक्ट नहीं किया है, तो मेरी लास्ट वीडियो देख के आप उसको कनेक्ट कर लो। तो इसके बाद जो इसमें डिटेल्स डालनी, यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, वो मुझे मेरी कंपनी ने मेल पे मुझे सेंड किया हुआ है ऑलरेडी। तो मैं अपनी ईमेल चेक करने वाला हूँ। मैं अभी तो ये मेरी लॉगिन डिटेल्स आप देख रहे हो। मेरा यूजर नेम ये है, मैंने यूजर नेम अपने यूजर नेम को कॉपी किया है यहाँ से। और मैं यहाँ से पासवर्ड को कॉपी करूंगा, यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। मेरा ऑटो फिल था, तो मैंने इसलिए उसको ऑटो फिल कर दिया है। ठीक है, इसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक करने वाले हो। तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हो कि लॉगिन सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। अब आता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है, आपको वर्ड सॉफ्टवेयर एप्स इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है। सो स्टेप नंबर 2 पे आपको यहां पे क्लिक करना है। ये वाला आपका सॉफ्टवेयर एप्स इंस्टॉलेशन इंस्टॉलर है, तो आपको यहाँ इस पर क्लिक करना है। आपको फिर इसके बाद वर्डप्रेस पे क्लिक करना है।
आपका थर्ड जो स्टेप है वर्डप्रेस पे क्लिक करना, ऑलरेडी मैं क्लिक कर चुका हूँ। उसके बाद फोर्थ स्टेप में आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से https://www को चूज करना है, या आपको विदाउट www के चूज करना चाहते हो तो आप उसको कर सकते हो, बट मैं प्रेफर आपको करता हूँ आप www के साथ चूज करना। उसके बाद आपको यहाँ से अपनी डोमेन नेम चूज करनी है, जिस डोमेन नेम में आपको वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। मैंने sachindabas.com लेट्स सपोज चूज की हुई है। आपको इसको ब्लैंक करना है, आपको इसको भी अनटच करना है, इसको भी अनटच करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। यूजर नेम में आप अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हो, पासवर्ड में आप अपना पासवर्ड डाल सकते हो। इसके बाद आपको आपकी एडमिन ईमेल में क्या करोगे, आप एडमिन ईमेल में भी अपनी ईमेल डाल लेना, ताकि आपके पास ईमेल आ जाएगी। अगर आप अपना पासवर्ड इन फ्यूचर भूल जाते हो तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके अपने पासवर्ड को रीसेट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अपनी जीमेल वाली आईडी डाल सकते हो, तो कोई भी ईमेल आईडी आप डाल सकते हो। इसके बाद ईमेल इंस्टॉलेशन डिटेल्स, यहाँ पे भी आप अपनी सेम ईमेल आईडी को कॉपी करोगे, यहाँ से अपनी सेम ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दोगे। उसके बाद आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। हुआ है ये ज्यादा 5 स्टेप्स जो कि मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद आप इस ये सारे स्टेप्स को फॉलो करते हो तो वो आपका जो वर्डप्रेस है वो सक्सेसफुल इंस्टॉल हो जाएगा। सक्सेसफुली वर्डप्रेस वो डोमेन नेम ओपन करूंगा जिसपे मैंने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था। मैंने अपना जो वर्डप्रेस है वो इस डोमेन नेम पे इंस्टॉल किया था, practice.sachindabas.com। मैंने एक सब डोमेन क्रिएट किया था, उस सब डोमेन में मैंने इसको इंस्टॉल किया था। तो आपके सामने ऐसा कुछ करके डैशबोर्ड आएगा, ये एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। तो माई ब्लॉग और माई वर्डप्रेस ब्लॉग लिख के आपके पास ऐसा कोई डैशबोर्ड आएगा, और इट मीन्स आपका जो वर्डप्रेस है सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। तो इस वीडियो में हमने देखा है कि हमने अपने डोमेन नेम में और अपनी होस्टिंग में उसको वर्डप्रेस को कैसे सक्सेसफुल इंस्टॉल किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्डप्रेस का डैशबोर्ड को समझने वाले हैं। तो आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को समझेंगे, जिसके थ्रू हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाएंगे। सो सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।